ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रोमित्रम बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको दैनिक महाभाग्यशाली राशियां बताने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमारा एक अनुरोध है कि हमारा एक और दूसरा चैनल है जिसका नाम है आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री, उसको भी यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी हम लगातार प्रस्तुत करते हैं और करते रहेंगे। अभी हम आपको दैनिक महाभाग्यशाली राशियां बताने जा रहे हैं। 2 अगस्त 2018 गुरुवार का दिन है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 10 बजे तक, उसके बाद रेवती नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा मीन राशि में विद्यमान रहेंगे। कौन कौन सी राशियां इस दिन महाभाग्यशाली रहने वाली है हम आपको बताने वाले हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य देव कर्क राशि में होंगे, वहीं चंद्रमा मीन राशि में होंगे, मंगल ग्रह मकर राशि में होंगे, बुध कर्क राशि में होंगे, गुरु तुला राशि में होंगे, शुक्र कन्या राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क राशि में और केतु मकर राशि में रहेंगे। ग्रह गोचर के हिसाब से जो है मेष मिथुन कर्क कन्या वृश्चिक और धनु, ये राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। इन 6 राशि वालों को बड़ी सौगात मिल सकती है। इन 6 राशि वालों के दिन अति उत्तम रहने वाला है। साथ ही ये 6 राशियां महाभाग्यशाली रहने के कारण इनके सभी काम बन सकते हैं। इनके कार्यक्षेत्र में जो रुकावटें अभी तक आ रही थी वो भी समाप्त होने वाली है। साथ ही इनको जो है कुछ नए एवं लाभदायक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही मित्रों हम आपके लिए आज से एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहे हैं कि जो दिशाशूल होता है, दिशाशूल के बारे में आप शायद नहीं जानते हैं। दिशाशूल एक ऐसी व्यवस्था हमारे धर्म शास्त्रों में बताई गई है कि दिशाशूल जिस दिशा में रहता है उस दिशा में जो है यात्रा नहीं की जाती है, उस दिशा की तरफ नहीं जाया जाता है। तो गुरुवार के दिन दिशाशूल जो है दक्षिण दिशा में रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा करना जो है इस दिन वर्जित बताया गया है। यदि आवश्यक हो, किसी कारण से बहुत जरूरी हो दक्षिण दिशा की यात्रा करना, तो इस दिन आप जो है हमारे मसाले में जो जीरा आता है वो जीरा खा करके यदि यात्रा करेंगे तो वह यात्रा शुभ फलदायी होगी। अन्यथा इस यात्रा से जो है किसी भी प्रकार की कोई हानि होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो मित्रों हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।